हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप एचआरएमएस में आपके सभी ऑनलाइन ट्रांसफरों का टैब खोल दिया गया है। आप जो भी ट्रांसफर चाहते हैं वह आप एचआरएमएस में कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की, रिक्वेस्ट कैसे डालें, उसका फॉर्म कैसे भरें, उसका फॉर्म किस तरीके से सबमिट करें और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। इन सब बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं हूं दीपेंद्र, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सीपी ज्ञान में। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट कॉन्टेंट आपको मिलते रहें। तो हम बात करते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, यानी वन वे, जैसे हम वन वे ट्रांसफर भी बोलते हैं। तो इसको अब एचआरएमएस में आप जो है इसमें इसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और अपने फॉर्म का स्टेटस भी जान सकते हैं कि कहां आपका फॉर्म पहुंचा है, किस अधिकारी के पास पेंडिंग है। तो चलिए चलते हैं इस कंप्यूटर स्क्रीन पर, कैसे हम इस फॉर्म को भरें। आप अपना एचआरएमएस आईडी, पासवर्ड, कैप्चा और ओटीपी डालकर आप उसमें लॉगिन होंगे। अगर आप लॉगिन करना नहीं जानते हैं, मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि इसको कैसे लॉगिन किया जाता है, आप उनसे देख सकते हैं। इसके बाद आप डैशबोर्ड के बाद IRHRMS ESS version 3.0 ये लिखा हुआ है, आप इस पर आएंगे और इसमें ये देखिए ये टैब दिखाई दे रहा है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन। हमें नई एप्लीकेशन डालना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पर ऐसा ये दिखाई देगा, ये आ जाएगा और यहाँ जो लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन, हम इस पर क्लिक करेंगे। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म खुल के आएगा जिसमें से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो भरी पहले से ही रही होगी। नाम, आपकी आईडी, अपॉइंटमेंट डेट वगैरह ये सब पहले से भरा हुआ होगा इसमें। और अगर सब सही है तो आप इसको जो है आगे बढ़ेंगे और मिला लेंगे इसको, जो सब भरा हुआ है या सही है अथवा नहीं है। अगर सही नहीं है तो आप इसको यूजर प्रोफाइल में जाकर इनको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे देखते हैं, इसमें देखेंगे एम्प्लॉय आईडी भरी हुई है, एम्प्लॉय नेम भरा हुआ है, आपकी आपका ये पीएफ नंबर भी भरा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ ये सब किस डेजिग्नेशन पे हैं, आपका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था इनिशियल, कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, आपका करंट यूनिट कौन सा है, आपकी एजुकेशन क्या है, करंट बिल यूनिट कौन सा है, आपका यदि टिकट नंबर है तो वो कौन सा है। इसके बाद हम सेकेंड वाले कॉलम में आएंगे, ट्रांसफर आप किस जगह ट्रांसफर चाहते हैं इसकी जानकारी हमें इसमें भरनी है। तो ट्रांसफर टाइप ऑफ ट्रांसफर इसमें आप चूज करेंगे और इनको सबको भरना बहुत जरूरी है। आप इंटर रेलवे ट्रांसफर चाहते हैं, इंटर डिविजनल ट्रांसफर चाहते हैं या इंटर डिविजनल, ये दोनों एक ही लिखा है, लेकिन आप इनमें से कौन सा ट्रांसफर चाहते हैं वह इसमें से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद किस जोन में जाना चाहते हैं, वह जोन सारे यहाँ दिए गए हैं, SR NCR या जो भी है आपका, जो भी जोन है जिस अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपका रेलवे यूनिट, आप कोई सा भी एक यूनिट जो है इसमें सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में कोई भी जिस आप जोन को सिलेक्ट करेंगे उन्हीं के यूनिट डिवीजन इसमें दिखाई देने लगेंगे, तो आप जो है इसमें अपने हिसाब से उस यूनिट को या डिवीजन को देख सकते हैं। इसके बाद इसमें स्टेशन आपको खुद भरना है कि किस स्टेशन पे या फिर कौन सा आपका डिपो पड़ता है, क्या है, वह सब आप इसमें खुद भरेंगे। अब आपका यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिकल, जैसे ये जो फॉर्म है जो इलेक्ट्रिकल का है, तो आप इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में ही शायद हो सकता है, इसमें चेंज भी हो सकता है। इसके बाद ये सब डिपार्टमेंट आप इसमें से चूज करेंगे, कहाँ से आप डिपार्टमेंट कहाँ से जाना चाहते हैं, कॉमन, रनिंग, ऑपरेटिंग, रेलवे, TRD TRS, तो इनमें से आप कोई सा भी जो आपके आपको लगता है जिसमें आप जाना चाहते हैं उसको आप चूज करेंगे इसमें। इसके बाद डेजिग्नेशन नेम आप इसमें से चूज करेंगे, जो भी आपका आपसे संबंधित है आप उसको चूज करेंगे। इसके बाद एम्प्लॉय सेल्फ फोटो, आप अपनी इसमें फोटो चूज फाइल पर जाकर आप अपनी फोटो अपलोड करेंगे, रिसेंटली खिंचवाई हुई PNG अथवा GPG फॉर्मेट में।
इसके बाद आपको एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके और उसका उसको भी आपको इस पे अपलोड करना है। इसके बाद ट्रांसफर का टाइप, आप कौन सा ऑन रिक्वेस्ट भर रहे हैं, फिजिकल हैंडीकैप या इनमें से जो भी आपको लगता है विडो अपॉइंटमेंट ऑन, ये जो भी आपको लगता है आप उसको चूज करेंगे इसमें, तो जिसमें ऑन रिक्वेस्ट है तो ऑन रिक्वेस्ट। इसके बाद इस चीज को बड़ा ध्यान से देखेंगे, अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, चूज फाइल। आपको अपना एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हम ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर क्यों लेना चाहते हैं, उसका कारण क्या है। कई रीजन होते हैं, हो सकता है आप परिवार में ऐसे हों, अकेले हों, जो आप परिवार की सेवा करना चाहते हैं, माता पिता हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं, तब आप ऑन रिक्वेस्ट लें, या आप घर के पास जाना चाहते हैं, आपका घर जो है वहाँ से दूर है। यह सब आपको एक ब्लैंक एप्लीकेशन बनानी है और उस पर अपने जो भी सुपरवाइजर हैं उनसे भी फॉरवर्ड करा के आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में उसको अपलोड करना है। इसके बाद आप देखेंगे आपका ये वाला कॉलम भर गया है। इसके बाद नीचे कम्युनिकेशन डिटेल, जो कि पहले से ही भरी हुई होगी, आपका मोबाइल नंबर वगैरह सब यहाँ पर पहले से ही भरा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्लिक ऑन आइकन चेक फॉर इनकमिंग एम्प्लॉय फॉर यूनिट के बाद अगर सब सही है तो आप इस पर चेक करेंगे और सुपरवाइजर HRMS ID, आप इस समय जिस सुपरवाइजर के अंडर में काम कर रहे हैं उस सुपरवाइजर का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर उसका नाम और HRMS ID सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि या आपके पास HRMS ID है उस सुपरवाइजर की, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो आप किसी का भी लिखेंगे नाम, तो जितने भी आपके सुपरवाइजर होंगे या उस नाम के जितने भी व्यक्ति होंगे सबके नाम इसमें आ जाएंगे। तो इसमें से आप अपने सुपरवाइजर को चेक करेंगे और उनको सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने सुपरवाइजर को चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें सुपरवाइजर को चेक करेंगे उनकी HRMS ID भी यहाँ दिखाई देने लगेगी। अब आपको एक रिमार्क देना है कि आप क्यों इस ये ट्रांसफर करवाना चाहते हैं इंग्लिश में कुछ ही शब्दों में, और लिखेंगे कि मैंने इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर सबमिट का बटन ये शो होने लगा है। अब आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और आप इस फॉर्म की क्या इस पे प्रक्रिया हुई है यह देखने के लिए ट्रांसफर वाले कॉलम पे जाएंगे और इस पर जो लिखा हुआ है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, इस पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका फॉर्म सबमिट हो जाना जरूरी है। इस पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे इसके पास डिपार्टमेंट, आपने यहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उसके चूज करेंगे जो आपको मालूम रहेगा, और इस पर गो वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पर पेंडिंग है, उस पर क्या प्रतिक्रिया चल रही है, यह सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो यूनिक लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें। यदि आपका कोई भी इस वीडियो से संबंधित सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं, अपना सवाल लिखें, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।